वर्षों से बदहाल एनएच 80 की सूरत बदलने वाली है। दरअसल एनएच 80 के जीर्णोद्धार के लिए महाराष्ट्र के औरंगाबाद की एजी कंस्ट्रक्शन कंपनी को टेंडर दिया गया है। 971 करोड़ की लागत से इसका नवीनीकरण और चौड़ीकरण किया जाएगा। पुल पुलिया और बाढ़ प्रभावित वाले क्षेत्रों में जहां एनएच पर पानी लगता है वहां पीसीसी सड़क का निर्माण किया जाएगा। जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने बताया कि एनएच 80 की टेंडर प्रक्रिया पूरी हो गई है। अक्टूबर महीने से इसका काम शुरू हो जाएगा। 10 मीटर इसका चौड़ीकरण किया जाएगा। जहां एनएच पर पानी लगता है वहां ढलाई वाली सड़क बनेगी। अतिक्रमण हटाने को लेकर नोटिस जारी करने के लिए अधिकारियों को आदेश दिया गया है। वहीं भागलपुर सांसद अजय मंडल ने कहा कि महाराष्ट्र की कंपनी को टेंडर मिला है, इसका कार्य जल्द शुरू हो जाएगा। समय के अंदर काम हो इसमें हम कड़ाई से पेश आएंगे। बता दें कि 3 दशक से एनएच 80 की स्थिति बदतर है। भागलपुर से कहलगांव की दूरी तय करने में 3 से 4 घंटे का वक्त लग जाता है। टेंडर प्रक्रिया पूरी होने के बाद लोगों में उम्मीद जगी है कि अब एनएच 80 संवरेगा। एनएच को लेकर किस तरह से कार्रवाई की? एनएच का तो आप लोग पेपर मीडिया के माध्यम से जान ही रहे हैं कि टेंडर महाराष्ट्र की कंपनी को मिल चुका है और उम्मीद है कि ये काम शुरू कर अक्टूबर माह के लास्ट तक में काम शुरू होना, चूँकि बरसात का मौसम भी है, भादों का महीना भी है, अभी सभी लोग रोड पर ही बसे हुए हैं, फिर पानी का माँ गंगा की कहर से लोग फिर कहराने लगे हैं, तड़पने लगे हैं पानी बढ़ने के कारण। पानी का जैसे कम होगा गंगा में, इसके बाद काम का स्टार्टिंग, तब तक में तो 2-1 महीने के बाद काम का भी स्टार्टिंग शुरू हो जाएगा और समय से अंदर काम हो इस पर हम कड़ाई से पेश आएंगे, काम करेंगे। और आपका 4 लाइन भी लगभग सब कुछ टेंडर वगैरह प्रक्रिया पूरा ही लगभग कर चुका है, वो भी हमको लगता है कि बहुत जल्द वो भी अपने समय पर ही पूरा कर लिया जाएगा। विक्रमशिला और इसके साथ साथ अभी का जो एनएच 80 का अलाइनमेंट आप देख रहे हैं उसका भी जीर्णोद्धार होना है। 10 मीटर का रोड वो भी बनना है और जगह जगह जहां पानी लगता है, खास करके आपका जो सबौर की तरफ जो हम लोग जाते हैं अकबर नगर वाले पोर्शन में, तो वहां PQC का काम होगा जो ढलाई वाला रोड होता है, ताकि बारिश के पानी से या अगर नदी का पानी आता है तो उससे जो है रोड ख़राब नहीं हो। और इसमें कई जगह पर नालों का भी प्रोविज़न है, तो वो सारी का उसमें भी टेंडर फाइनल हो गया, बहुत जल्दी उस पर भी काम शुरू होगा और NHAI के द्वारा 4 लेन का भी निर्माण 1 से 1.5 महीने में वो भी शुरू होगा। अतिक्रमण जो भी अतिक्रमण है उसमें हम लोगों ने कार्यपालक अभियंता को बोला है कि वो चिन्हित करके नापी करके सभी को नोटिस करा दें। अगर कोई व्यक्ति जानबूझ करके अतिक्रमण नहीं हटाता है तो हम लोग उसको फोर्स मजिस्ट्रेट बहाल करके हम लोग उसको अतिक्रमण हटाएंगे। ये इस संबंध में कार्यपालक अभियंता को पहले ही निर्देश दिया जा चुका है। ऐसी ही खबरों के लिए करें Say24 लाइव को सब्सक्राइब, साथ ही साथ दिए गए बेल आइकन को भी दबाएं। थैंक यू।